नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज में। हरियाणवी डांसर बिग बॉस की कंटेस्टेंट और अब बॉलीवुड एक्ट्रेस बन चुकी सपना चौधरी किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। धमाकेदार डांस के अलावा सपना का बेबाक अंदाज भी लोगों को पसंद आता है। वह डांस शो करती है और इतने मस्ती भरे अंदाज में झूमती है कि शो पर मौजूद सैकड़ों की भीड़ भी उनके साथ झूमने लगती है। वहीं एक शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सपना चौधरी रो पड़ी। उन्हें इतना दुख पहुंचा कि वह चुप नहीं रह पाई और डांस करने के बजाय खुलकर खरी खोटी सुनाती नजर आई। दरअसल जब से सपना चौधरी बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन करने की अफवाहों को लेकर सुर्खियों में आई है, तब से उन्हें लेकर कई तरह की खबरें वायरल हो रही है। ऐसे में उनका एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमे सपना स्टेज पर खड़ी रो रो कर बात करती नजर आ रही है। ये वीडियो किस जगह का है तो साफ नहीं हो सका है, लेकिन वीडियो में सपना बोल रही है कि मुझे स्टेज पर खड़ा करके लोग गालियां सुना रहे हैं। उन्होंने लोगों को तालियां बजाने से रोक दिया और कहा, अगर मैं नाचती गाती हूँ तो ये गलत कहाँ से है, मैं किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाती। जो पहले उन बच्चे आपके ऊपर बाद में स्टेज पर खड़े करके गालियां बकते हो कि इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, नहीं तालियां मत बजाओ, नहीं चाहिए आज आपकी तालियां। बाद में कोई पिटता है तो गाली कौन खाता है, गाली खाती है खाली सपना, कि सपना की वजह से ही हो गया। सपना ने क्या बिगाड़ दिया, अकेली ने, अकेली सपना ही नाचती है क्या हरियाणा में, और कोई नहीं नाचता हरियाणा में। बताओ कौन नहीं नाचता हरियाणा में, मेरे आने से पहले डांस नहीं होता था हरियाणा में, नेकलेस लहंगा पहन के लड़की नाच करती थी, जब आ गया था तुम्हारा संस्कार, आज मैंने सूट में पहन के नाच रही हूँ तो मैं संस्कार देखू, आज मैं छोड़ दूंगी, मैं नाच गाना सब छोड़ दूंगी, एक आदमी उठ के ये बोल दो मेरे घर में अपनी कमाई लेके चला जाएगा, बताओ कौन लेके जाएगा मेरे घर में कमाई। फिर स्टेज पे आऊँ तो फिर मैं गाली खाऊंगी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आप लोगों का। मेरी गलती बस ये है कि मैं नाची, मैं गाई, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, जैसा मेरे से बन पाया मैंने किया, और आज इस छोरी का मैं वही कहूँ कि बेटा खा ले, तू भी गाली खाओगी, मत ना नाचे, बस आज वही बात, बस ना मैं कुछ नहीं कहूंगी, मेरे पास की नहीं है, आज मेरा दिल तोड़ दिया, आज के बाद मैं प्रोग्राम भी नहीं करूंगी, गौशाला का बिल्कुल नहीं करूंगी। आपको जितना डांस चाहिए ना मेरे घर आके ले लेना, पर मेरे पास मत आना कभी भी प्रोग्राम के लिए, बस, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। रो पड़िया था। अगर फिर भी मेरे तक कोई गलती रहेगी मैं थारी के साथ, मैंने कुछ भी गलत करा हो तो हाथ छोड़ के आज मैं थारे पैर पकड़ने तैयार हूँ, मैं माफी मांगू सारे से, अगर मेरी कोई भी गलती हुई होगी ना तो मेरी मैं माफी मांगू, मैंने कल भी कही थी, मैं आज भी कह रही हूँ, जरूरत नहीं है प्रोग्राम करने की, लेकिन मैं थारे प्यार की भरी आऊँ, क्योंकि तब मैं वहां लेके गई, आप लोगों ने मेरा साथ दिया जब हरियाणा वहां बचा, मेरी अकेले की बोले तो कुछ नहीं होया, ना गाऊ करना तो कुछ कर ही नहीं, माफी मांगू।